मैं तमाम लोगों से, खासकर कश्मीर के लोगों से हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूं कि ऑनलाइन शॉपिंग न करें, अपने भाइयों से माल ले। ईद है, आपको पता है सर्दियों में भी कितना कारोबार बंद रहता है, ईद पर बड़ी होप्स होती है लोगों को। ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसको अभी बिल्कुल आप तरक करें। आप ईद पर अपने लोकल दुकानदार, अपने मोहल्ले, अपने मार्केट, लाल चौक जैसे बाकी मार्केट या डिस्ट्रिक्टों में हमारे मार्केट से, वहां से शॉपिंग करें ताकि आपके भाई, आपके दुकानदार, आपकी बिजनेस फर्टर्निटी भी अच्छे से ईद करें। देखिये, मेरी वक्फ बोर्ड से इल्तिजा है कि ये नमाज जहां जहां पर होगी वहां वहां पर अच्छे इंतजाम रखें। खासकर मैं ये कहना चाहता हूं, ये स्पीकर्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है आवाज। कल हमने सईद साहब में नमाज पढ़ी, स्पीकर से इको करते, इनका खास ध्यान रखा जाए। और खासकर मैं आपकी वसादत से ट्रैफिक डिपार्टमेंट को करना चाहता हूं कि ट्रैफिक बहुत स्मूथ होना चाहिए, खासकर डाउनटाउन में। आपको पता है मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक से भी बिजनेस की काफी कमर टूट गई। ये जो जैम्स हो जाते हैं, ये दुकानदार के पास कोई किसी को अच्छा ही नहीं लगता है अपनी गाड़ी रोकने। पार्किंग स्लॉट्स ईद पर मुयसर किया जाए ताकि नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो, या ये दो दिन अब रह गए इनमें शॉपिंग का कोई दिक्कत ना हो। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, अगर नॉन मुस्लिम आपके पास स्टाफ है उनको लगाइए इफ्तार के बाद आप, क्योंकि मुसलमानों को इफ्तार करना, नॉन मुस्लिम स्टाफ आपका उनको लगाइए आप सड़कों पर, ताकि सहूलियत हो जाए, दुकानदार के पास भी लोग पहुंचे, शॉपिंग भी करें और लोग भी अपने टाइम से घर पहुंच जाएं।